हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का और ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे का। कल संडे था, कल मैंने कोई भी व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया। कभी कभी रेस्ट करने पर जो है बहुत ज़्यादा दिल करता है। और यहाँ पे जी नसरीन जो है सफाई के लिए आई हुई है और ये जो जैली का बेबी है ना, ये वाला ये मेल है यानी कि बिल्ला है ये, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना खेलने का शौकीन है। इसको बस मौका चाहिए होता है, ये या इसको जैम के साथ खेलना है या इसको मेरे साथ खेलना है। और जो फीमेल है इसकी वो सोई रहती है हर वक्त, उसको बहुत नींद आती है। वो इवन के 5 से 6 घंटे नॉन स्टॉप सोती है और फिर जैली को होता है कि पता नहीं मेरी औलाद जिंदा भी है कि नहीं, तो फिर आकर जो है उसको वो उठाती है। तो जैम जो है सो रहे थे जॉब से आने के बाद और नसरीन जो है काम करके जा चुकी थी। मैंने सोचा कि आज खाने में क्या बनाऊं, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि जी कोफ्ते अंडे बनाती हूँ। पूरा 1 हफ्ता हो गया है ये बनाने का सोच रही हूँ। वैसे मेरे कोफ्ते जो हैं बने हुए हैं, फ्रीज़ किए हुए हैं मैंने, जस्ट निकालना है और उनको पकाना है। लेकिन अभी जब मैं किचन में गई तो मैंने सोचा कि आज सैटरडे है और रात को मम्मा की तरफ भी जाना है और आज मुझे एक जगह जाना भी था काम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आलू अंडे बना लूँ। और ये जो डिश है ये मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और सब बड़े शौक से खाते हैं। जैम को भी पसंद है तो मैंने सोचा कि जी जैम को भी बनाकर आज खिला देती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, प्याज को जो है हल्का सा फ्राई किया, उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, टमाटर ऐड किया और वही रवायती मिर्च मसाले जैसे नमक मिर्च और सूखा धनिया हल्दी ये डाल दिया। और जब अच्छी तरह जो है मसाला भुन गया और ऑयल जो है जब ऊपर आ गया, उसके अंदर आप जो है आलू डाल दें और उसको अच्छी तरह भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर जो है पका लें। और जब वो पक जाएं गल जाएं उसके बाद जी अपने जो अंडे हैं इनको बॉईल करके वो भी ऐड कर दें। तो यहाँ पे जी खाना जो है मेरा रेडी हो चुका है। मैंने ज़्यादा जो है वो रस जो है शोरबा जिसे बोलते हैं मैंने वो नहीं बनाया, क्योंकि ज़ैम को जो है भुना हुआ सालन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब मेरा खाना रेडी हो गया, बैठी हुई थी फारिग थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलो यार लगे हाथ दही पकौड़ियाँ भी बना लेती हूं। दही पकौड़ियाँ जो है मेरे हस्बैंड इतने शौक से नहीं खाते थे, लेकिन पीछे जब 2 दफ़ा मैंने बनाए तो उन्होंने बहुत शौक से खाए। तो मैंने सोचा कि अगर इनको अब टेस्ट जो है इसका लग गया है तो क्यों ना आज दोबारा बनाकर इनको खिलाऊं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैम ने जो है बहुत शौक से खाए। खाना जो है तकरीबन मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है और मैं वेट कर रही हूँ ज़ैम के उठने का। ज़ैम उठेंगे तो ही जो है गर्मा गर्म रोटी उनको बनाकर दूँगी और खाना जो है उनके आगे लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे ज़ैम उठ चुके थे, रोटियाँ भी जो है मेरी रेडी हो गई हैं तकरीबन। और रोटी जो है गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, रोटी हो राइस हो। तो बस यहाँ पे जी, अच्छा बहुत से लोग जो है ना मेरे से पूछते हैं कि ये जो आपने जो मैट है ये आपने कहाँ से लिया है जिसके ऊपर मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये मैंने जो है दराज से ऑर्डर करवाया था। कितने का करवाया था ये मुझे बिल्कुल भी अब याद नहीं है, क्योंकि मुझे जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवानी होती है तो मैं ज़ैम को बोलती हूँ कि ज़ैम मुझे ये चाहिए और ज़ैम जो है ऑर्डर कर देते हैं। ये बहुत बेस्ट है, इसके ऊपर रोटी जो है बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती इस मैट के साथ। और शेल्फ़ के ऊपर बनाने से बेहतर है कि आप ये एक मंगवा ही लें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि रात के टाइम हमारे किचन में क्या क्या चीज़ें जो हैं नाच रही हैं। हम जितनी मर्ज़ी अपने किचन की सफाई कर लें लेकिन फिर भी किचन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रात के टाइम बहुत कुछ होता है। तो बस यहाँ पे जी खाना जो है बन के रेडी हो चुका है और ज़ैम को जो है मैं खाना देने लगी हूँ। खाना जो है बहुत 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 मज़े का बना था और इस डिश को भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोगों ने जो है ट्राई भी की होगी और इसका जो अगर शोरबा हो ना तो उसका भी एक अलग से टेस्ट आता है। अच्छा, मैंने इसके अंदर दही भी ऐड की थी मसाला भूनते हुए 2 चम्मच, उससे ये होता है कि ज़रा टेस्ट और अच्छा हो जाता है, जैसे कोरमे का टेस्ट होता है ना। जी फ्रेंड्स, अभी जो है खाना भी जो है रेडी हो चुका है और आज मैंने बनाए थे आलू अंडे। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बनाऊं, पहले मैं इसमें कोफ्ते डालने लगी थी, फिर मैंने कहा चलो आज ऐसे ही कर लेती हूं, क्योंकि अभी जो है खाना खाने के बाद फ़ौरन मुझे रेडी होना है और मुझे जाना है एम्पोरियम मॉल, और वहां पे जो है आज किसी से मिलना है। किससे मिलना है मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगी। तो अभी की जो है मेरी रूटीन घर की वो होती है यहीं पर ख़त्म और अब चलते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो जो फ्रेंड्स अभी जो है हम जा रहे हैं और टाइम जो है 5:15 हो गए हैं और मैंने मोहसिन को बोला था कि मैं 5:30 तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी और बस जल्दी जल्दी जो है रेडी हुई। आज जो मेरे सैयद सुपरस्टार है ना, इनकी भी थोड़ी सी लुक चेंज मैंने करवा दी है, बल्कि ज़्यादा ही करवा दी है 4 मंथ्स के बाद। हम कितने
नहीं नहीं सिर्फ आपकी छोटी ईद पे करवाई थी। तो चले जी मिले मेरे सैया सुपरस्टार। ईद पे मैंने पूरी शेव नहीं की थी। अच्छा तो चले जी मिलिए मेरे सैया सुपरस्टार। हाँ जी तो कैसे लग रहे हैं? मैं तो अच्छा लग रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लुक जो है इंसान को अपनी चेंज करनी चाहिए, यही नहीं कि सिर्फ एक ही लुक में जो है इंसान रहे। तो अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। वो कह रहे हैं मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ। नहीं अजीब नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए जी अभी हम जा रहे हैं और बाकी की वीडियो बनाकर स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं अभी प्ले करने लगी हूँ मोहसिन का न्यू सॉन्ग। और जिसने अभी तक मोहसिन का न्यू सॉन्ग जो है नहीं सुना, ऊपर आई कार्ड में आपको जो है मोहसिन का सॉन्ग नज़र आ रहा होगा, आपने उसके चैनल पे जाना है, इसका न्यू सॉन्ग सुनना है और आपने रिव्यू जो है ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा। कोई न जाने कहीं से एक जाई गमों की धूप संग लाई खफा हो गए हम। तो जी यहाँ पे जो है हम लोग इम्पोरियम मॉल आ चुके हैं और बस अभी हम लोग जो है अंदर एंटर हो रहे हैं। तो बाकी की वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह अंदर जाके आपके साथ जरूर छोटे छोटे क्लिप्स जो है शेयर करूंगी। मैं भी हूं आज इसके व्लॉग में। अच्छा जी यहाँ पे मोहसिन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी किधर जा रहे हो? मैं चिड़ियाघर। मोहसिन जी हमारे 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 पापा नाम है हमारे पापा में मैकडोनल्ड लेके जा रहे हैं। मोहसिन जी चिड़ियाघर जा रहा है और मैं मोहसिन जी चिड़ियाघर वो पीछे था ना जहाँ पे गधे बांधे हुए थे वो वाली जगह मोहसिन को दिखा दो। तो एम्पोरियम आप जब भी आए ना आपको यहाँ पे 24 घंटे रश मिलेगा। एक दफा ऐसा हुआ कि ज़ैम और मैं सुबह 11 बजे आए थे, 11 बजे आ गए, हम घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि चलो एम्पोरियम चलते हैं। जब यहाँ पे आए पूरा एम्पोरियम जो है खाली था सुबह 11 बजे और उस दिन था भी जुम्मा। और 1 से 1.5 घंटा हम लोग अंदर रहे हैं, जब हम बाहर आए जितने बेनमाजी थे ना सब एम्पोरियम इकट्ठे हुए हुए थे। बेनमाजी मतलब जुम्मे का दिन था उस टाइम। okay. हम तो जुम्मे के टाइम बाहर निकल रहे थे और सब अंदर एंटर हो रहे थे। मैंने कहा सही में सब बेनमाजी हैं, इनमें से किसी ने भी जुम्मा नहीं पढ़ना। और जी बस यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच चुके हैं और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नहीं कि हम किसको मिलने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि फ्राइडे वाले दिन जो है मोहसिन लाइव आया हुआ था इंस्टाग्राम पे और मैं भी लाइव चली गई मोहसिन के साथ। और वहाँ पे जो है एक सब्सक्राइबर जो है उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि स्वीटी जी मैं आपके व्लॉग्स काफ़ी टाइम से वॉच कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मोहसिन ने जब चैनल बनाया तो मैं मोहसिन को भी वॉच करने लग गई। मैंने मोहसिन को आपको बहुत ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे कि जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। और अल्लाह की तरफ से आज जो है कॉल ज्वाइन हो गई और मैं अब पाकिस्तान आई थी, मुझे 1 मंथ हुआ है पाकिस्तान आए हुए और 5 को जो है मैंने वापस चले जाना है। तो क्या आप लोग जो हैं मेरे से मिलेंगे? मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं आपसे मिलूँ। एक्चुअली उनको मेरे से नहीं मोहसिन से मिलना था, मेरी तो वो फ़ैन थी ही, लेकिन जिस तरह से वो बता रही थी वो उस टाइम मोहसिन की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो बार बार यही बोल रही थी कि मुझे मोहसिन की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और वो मोहसिन को भाई कह रही थी। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रोवर्सी उसी टाइम जो है तैयार कर दी जाती है। वो मोहसिन भाई कह के जो है मुखातिब कर रही थी। और यहाँ पर जी बस हम लोग आ चुके हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं, बल्कि वो भी आ गई थे यहाँ पे, तो बस वो हमें सर्च कर रहे हैं और हम उनको सर्च कर रहे हैं कि जी किधर हैं। फोन पे हम लोग जो है रابطہ कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूं, तुम बुला ना सकोगी वो अंदाज हूं, गूंजता हूं जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूं। सुन सको
अच्छा लगता है उनको पता लग गया खलोते पिंडो आए ने तो जी यहाँ पे हमारे साथ हैं जी एक सब्सक्राइबर जो कि आए हैं बहुत दूर से जी। आपका नाम? अस्मा। ये मोहसिन की लाइफ में आई थी और इन्होंने मोहसिन को कहा था कि जी मुझे मिलना है और पता नहीं कब से इसको कह रही थी और मोहसिन इनको रिस्पांस नहीं दे रहा था। तो कल हमारी बात हुई और जब इन्होंने बोला तो मैंने कहा ओके मिल लेते हैं। अब ये नहीं कि ये बाहर से आई हैं इसलिए मिल रहे हैं, जब इन्होंने कहा ना मैंने 5 को वापस चले जाना आप मिलने, तब मुझे हुआ कि नहीं मिल लेते हैं, कोई ऐसे ही चला जाए परदेश तो अच्छा नहीं लगता। तो चलें जब भी हम जा रहे हैं अंदर कैफे में। तो जी फाइनली जो है अस्मा हमें मिल गई हैं और अस्मा से मिलकर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे हम पहले भी बहुत दफ़ा मिल चुके हैं। और जब हम अपने किसी फ़ैन से मिलते हैं ना तो आप यकीन करें कि एक तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि हमने जो अपना नाम बनाया और उसके बाद जो है लोग हमें इतना जानते हैं, इवन कि बहुत सी बातें हमें खुद को भी नहीं पता होती कि हमने कभी ये चीज़ दिखाई थी या बताई थी, लेकिन हमारे फ़ैन को जो है अच्छी तरह पता होता है कि आपने ये बात आपने उस टाइम पे बोली थी। तो उस टाइम आप यकीन करें बहुत 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 ज़्यादा जो है अच्छा फील होता है, खुशी होती है। तो बस यहाँ पे शाम 6 बज गए थे और खाना जो है दोपहर का हम भी खा के गए हुए थे और उन्होंने भी खाया हुआ था। वो यही कह रहे थे कि आप कुछ ना मंगवाना, लेकिन फिर भी मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और साथ में जो है लोडेड फ्राइज़ जो है ये मंगवा लिए थे। तो मैं वैसे ना पिज़्ज़ा इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। बहुत कम जगह का पिज़्ज़ा जो है ना मुझे अच्छा लगता है और अक्सर पिज़्ज़ा मंगवाते हुए मैं डरती भी हूँ कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये जो कैफ़े है ये एम्पोरियम मॉल में ही है, अगर कोई यहाँ पे जाए तो इसको ज़रूर ट्राई करे। तो यहाँ पे जी अब हम लोग खाने लगे हैं पिज़्ज़ा और आज का व्लॉग जो है आई होप कि आप सबको बहुत 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 अच्छा लगा होगा। और मोहसिन का जो सॉन्ग है आप सबने उसके चैनल पे जाकर ज़रूर सुनना है, उसने बहुत मेहनत से जो है रेडी किया है और उसकी हिम्मत हौसला उसका देखें कि उसने एक महीने से जो है इसको पेंडिंग पर रखा हुआ था सिर्फ मुहर्रम की वजह से कि मुहर्रम है और मैं मुहर्रमों के बाद ही इसको जो है अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं अहले तशरीफ़ी हैं तो हम हर फिरके की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी की दिलदारी नहीं करना चाहते और वैसे भी ये हमारे लिए भी जो है बहुत एहतराम का महीना है, इसलिए जो है हमने यही प्लान किया था कि मुहर्रम जब एंड होंगे तब ही जो है आपने ये सॉन्ग जो है अपलोड करना है। अच्छा यहाँ पे वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा जो है ना शोर था, म्यूज़िक लगा हुआ था और कॉपीराइट का आपको पता है कितना ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉपीराइट ना आए तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस यहाँ पे एक दूसरे की तारीफें की जा रही हैं, एक दूसरे को टाटा बाय बाय किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा था वो बहुत अच्छा था और बस बस यहाँ पे यही बातें चल रही थी। और आज का जो एक छोटा सा मैसेज जो है मैं आप सबको देना चाहूँगी जाने से पहले, तो वो मैसेज कुछ इस तरह से है कि मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलत फहमी। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गलत फहमी जो है ना ये बहुत बुरी चीज़ है, ये अच्छे से अच्छे रिश्ते को मोहब्बत को दोस्ती को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तो कभी भी आप किसी के मुतल्लिक किसी के मुंह से कोई भी बात सुने तो पहले अच्छी तरह उस बात की जांच पड़ताल कर ले और फिर जो है अपना रिश्ते नाते जो है उस बंदे के साथ ख़त्म करें या उसके ख़िलाफ़ कोई बात करें। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कभी कोई आपको ये बोले ना कि फ़लाँ बंदा तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था तो आज का दौर ऐसा है तो कि उसी टाइम जाकर जो है पूछना चाहिए कि भाई आपने वाकई मेरे बारे में ऐसी बात की थी कि नहीं की थी। ये मेरा तजर्बा है और तजर्बे जो है इंसान को उम्र के साथ ही आते हैं, लेकिन मैं इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सीख गई हूँ। तो यहीं पे जी मेरा आज का व्लॉग भी होता है, तब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद, अल्लाह हाफिज़। अजनबी हसीना से।